Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. क्या हुआ प्रभु? आपने झूला रोक दिया? मुझसे कोई गलती हो गई? तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो नंदी महाराज। मैं तो गुरु बृहस्पति के स्वागत के लिए रुका हूँ। गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाल गणेश। मैंने सुना है कि इन सबको सनातन पूजा पाठ का ज्ञान आप दे रहे हैं। जी गुरुदेव, मैंने पूरी पुस्तक याद कर ली है। आपकी कृपा हो तो क्या मैं भी आपके मुख से सनातन पूजा सुनने का लाभ ले सकता हूँ? क्यों नहीं गुरुदेव, आप जो चाहे सुन सकते हैं। गलती हो गई। जैसा आप कहे गुरुदेव, स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं आप सबको पालनहार भगवान विष्णु के पूजन के बारे में बताता हूँ। उससे पहले एक आवश्यक बात, हमें किसी भी पूजन से पहले उससे संबंधित सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मेरी माँ भी यही कहती है बाल गणेश, ऐसा करने से पूजा के बीच में उठना नहीं पड़ता। तुमने सही कहा टुनाटुन। पूजा के समय किसी भी छूटी हुई वस्तु की व्यवस्था करने से पूजा में विघ्न पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है बाल गणेश? इनकी पूजा में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, मूर्ति को स्नान कराने के लिए तांबे का पात्र, जल से भरा कलश, दूध, पीले वस्त्र, पीले फूल, फूलों की सुगंध, आभूषण, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप, अगरबत्ती, तिलक के लिए अष्टगंध, तुलसी दल, तिल, जनेऊ, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान के पत्ते एवं दक्षिणा की आवश्यकता होती है। इनकी पूजा का उचित समय कौन सा होता है बाल गणेश? इनकी पूजा का उचित समय सूर्य उदय से पहले का होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ये पूजा नहीं कर पाता है तो फिर उसे गुरु बृहस्पति के दिन यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर विवाहित व्यक्ति अपने पत्नी के साथ पूजा में बैठा हो तो पूजा गठबंधन के साथ करनी चाहिए, और यदि पूजा किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हो तो संकल्प लेना भी आवश्यक होता है। ऐसा ना हो तो बिना संकल्प के भी पूजा की जा सकती है, किंतु संकल्प लेते समय व्यक्ति को वर्ष, तिथि, मास, दिन, नाम और जगह भगवान विष्णु जी को बताते हुए अपनी मनोकामना उनके सामने रखनी चाहिए। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा भी भगवान विष्णु के पूजा के लिए अति मंगलकारी होता है। अब पूजा विधि पर आते हैं।
प्रथम पूज्य होने के नाते सबसे पहले मुझे स्नान करवाया जाता है। मुझे वस्त्र अर्पित करके सुगंध, पुष्प और अक्षत से मेरी पूजा होती है। पूजा के समय ओम गं गणपते नमो नमः का जप अवश्य करना चाहिए। इससे मुझे प्रसन्नता होती है। और इसके उपरांत भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की जाती है। तुमने एक बार फिर सही कहा टनाटन। मेरी माँ भी यही कहती है बाल गणेश। मैं जब भी कुछ कहता हूँ सही कहता हूँ। मैं देख रहा हूँ टनाटन, तुम्हारा ध्यान जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कम दूसरी बातों में बहुत है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो। नहीं नहीं गुरुदेव, गुस्सा मत कीजिए, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, सच्ची कुछ नहीं बोलूंगा। आगे कहो बाल गणेश। इसके बाद भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। फिर उन्हें स्नान करवाया जाता है, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर वापस जल से। स्नान के बाद उन्हें पीले वस्त्र, जनेऊ और पीले फूलों की माला पहनाई जाती है और साथ ही फूलों के सुगंध लगाकर उन्हें अष्टगंध का तिलक किया जाता है। तुलसी दल और अक्षता के रूप में तेल अर्पित किए जाते हैं। घी या तेल का दीपक पूजन करें। पूजन के समय भगवान विष्णु और माँ गायत्री के मंत्र का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इसके उपरांत आरती की जाती है जो आपको पुस्तक में मिल जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान की परिक्रमा की जाती है और उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं और अंत में फिर से हम एक बार श्री हरि को हाथ जोड़कर ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे। ठीक कहा ना गुरुदेव? आपने बिल्कुल सही कहा बाल गणेश, किंतु हमारा एक प्रश्न है। सभी देवी देवताओं की पूजा में अक्षता यानी चावल का विशेष स्थान होता है, किंतु भगवान विष्णु जी की पूजा में नहीं, इसका कारण क्या है? कारण बहुत सीधा है प्रभु, भगवान विष्णु को चावल पसंद नहीं। यहाँ तक कि पूजा उपरांत चावल का दान भी नहीं दिया जाता। उत्तम प्रभु, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। और एक आवश्यक बात, पूजा के समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हें अर्पित की गई वस्तुएं ठीक उनके सामने ही रहे। इससे पूजा का संपूर्ण फल मिलता है, समझ गए ना? तो अब मेरे साथ मिलके बोलिए पालनहार भगवान विष्णु की जय।
For more movies, subscribe to Movie Mania channel.